सबसे पहले रेल मंत्रालय का मंत्री है उसका इस्तीफा ली गया। ओडिशा के बालासोर के बहनागा बाजार में शुक्रवार को हुए रेल हादसे में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 275 तक पहुंच गई है। 1175 घायलों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया, इनमें से 793 को छुट्टी दे दी गई और 382 का इलाज चल रहा है। 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस घटना को लेकर विपक्ष ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी मामले में रेल मंत्री का इस्तीफा मांगा है। वहीं झारखंड के भी कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने इस मामले को लेकर रेल मंत्री से इस्तीफा की मांग की है। इस बीच केंद्रीय मंत्रियों की टीम ओडिशा में लगातार कैंप कर हालात को संभालने की कोशिश में जुटी है। भारत के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी रेल दुर्घटना जो घटी है उसकी मैं निंदा करता हूँ। पूरे देश में मातम छा गया है। जरा सोचो उन परिवारों को जो अपने बाल बच्चों के साथ घूमने के लिए गए, गर्मी की छुट्टी है, काफी बच्चे मारे गए। मैं देश के प्रधानमंत्री से मैं मांग करता हूँ जिसकी जिम्मेवार कौन है, सबसे पहले रेल मंत्रालय का जो मंत्री है उसका इस्तीफा ली गया। कहां सो रहे हैं रेल मंत्रालय, कहां सो रहा है रेल विभाग, जिम्मेवार कौन है, दोषी कौन है, आपको आगे आना चाहिए। बड़ी बात यह है कि आप प्रधानमंत्री जी आए, रेलवे जहां घटना घटी उसका दौरा किए, आपके हृदय में लोग मारे गए परिवार के प्रति संवेदना है। मेरा मांग होगा आपसे थोड़ा बड़ा दिल दिखाते हुए, वैसे छात्र एवं छात्राएं जो सफर कर रहे थे, पढ़े लिखे थे, उनको रेलवे विभाग में आप नौकरी दीजिए। और जो छोटे छोटे बच्चे मारे गए उनको 50-50 लाख रुपया दीजिए, और जो यात्री मारे गए उनको 25-25 लाख रुपया दीजिए, ताकि जान तो नहीं लाया जा सकता लेकिन थोड़ा आक्रोश कम किया जा सकता है, उनके परिवार को थोड़ा राहत जरूर मिल सकता है। मोदी जी आपके पास अदानी है, अंबानी जैसे बड़े बड़े कंपनियों के मालिक हैं, उनको बताइए आप कि ऐसे समय में थोड़ा आगे आए और थोड़ा बड़ा दिल दिखाए और जो मैंने मांग किया है उसको पूरा कीजिए। निश्चित तौर पर हमें लगता है लोग आपको इस स्टेप से पसंद करेंगे और उनके परिवार जो मारे गए परिवार को कम से कम एक राहत जरूर मिलेगा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।